सो अज फिर असी आटे दी पिन्नियां बनाउण लगे हाँ। तो ये अज असी थोड़ा जिहा डिफरेंट मटीरियल पावांगे। पहला सारे तो पहला तो असी लिया आटा मेनली जिहड़ा आ, तो ये इस वारी असी गुड़ पाउणा आ। पहला गुड़ नहीं सी पाया, लास्ट टाइम असी पाई सी जिहड़ी गुड़ की शक्कर हुंदी आ वह पाई सी। तो इस वारी पाया गुड़, उस तो बाद अलसी इस वारी अमाउंट पहले वाली नालों थोड़ी जी घट ली आ। फिर असी ले हुए इत्थे जिहड़े बदाम आ उन्हां नूं पीस लिया, तो ये थोड़े जे रोस्ट किए आ। फिर असी ले आ इहदे विच सूरजमुखी दे सीड ले आ, ते जिहड़े हुंदे आ पेठे दे सीड ओह ले आ। तां इस वारी असी जिहड़े ले आ हैगे आ अखरोट आ, इहनां नूं रोस्ट नहीं कीता क्योंकि थोड़ी बनाउणी आ पिन्नियां, तां सो फिर ज़्यादा टाइम निकल जानी आ, जिन्ना कु टाइम असी खा लैणी आ उन्ने टाइम दे विच। दैन फिर इस वारी असी ले आया गां दा घ्यो लिया आ, क्योंकि इत्थे यही घ्यो आउंदा आ जिहड़ा थोड़ा जिहा तुहानूं कलर दे विच थोड़ा पेल दिखदा होणा आ। सो ये सारा सारे जिहड़े इनग्रीडियंट, सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट इट। सब तो पहला आपां पा देना घ्यो, क्योंकि आटा आपां पहलां रोस्ट करके रख लिया होया आ, सो ये आपां नूं ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पैणा इहदे ते। अच्छा आ पहले रोस्ट करके रखा हुआ है एन प्रॉपरली है ना, सो इन हम आप रोस्ट नहीं करना है इन्ना ज्यादा, ऑलरेडी रोस्टेड आ। इन जस्ट आप थोड़ा थोड़ा कर लेना कि फ्लेवर जी ब्लेंड हो जाए ना कि अच्छा ये कोई भी वो नहीं होंगे कि वह जिन्ना मर्जी पा सकते हैं, जिन्ना मर्जी मीनस कि जिन्ना ये अबजॉर्ब हो जाए, कोई लिमिट नहीं गई हैगी कि तुम ये इन्ना कि पाना है, ज़्यादा भी पा सकते हैं। लुक्स गुड ऑलरेडी, स्मेल्स गुड है ना। अच्छा इन्हों फुल तो नहीं कदे भी करीदा जो आटा रोस्ट करना हो ना, ऑलरेडी आटा तो रोस्ट ही वैसे आप हम इन ब्लेंड करते पे हाँ कि इन्हों चंगी तरह की फ्लेवर जी प्रॉपरली जो एनहांस हो जाए कलर यदा, पर फुल फ्लेम तो कदे नहीं करना, नहीं तो बर्न हो जाना तो टेस्ट वह गुड होने की बजाय वो खराब हो जाना। अपना आटा डन आ, जस्ट अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए असं ज़्यादा करते पे हैं, वैसे आटा ऑलरेडी होया होया है ना। ओके व्हाट डू यू थिंक, आप ये पाईए क्योंकि ऑलरेडी गर्म है ना, सिर्फ ये बना क्योंकि ऑलरेडी गर्म होया होया है। नाले फिर वो बाद विच एदे च ही मिक्स कर लवेंगे सारे ड्राई जिहड़े आ इनग्रीडियंट्स आ। अच्छा इनू नाइसली ना चंगी तरह साफ करना है, नहीं तो की होना है जिहड़ा थोड़ा जिहा आटा लगा रह गया ना इन जे उहदे नाल की होना है गुड़ दे नाल सड़ जाणा है। सो हम मैं धोना तो नहीं गा, इनू इदा ही साफ कर लेना सुका ही। अच्छा पतीले वाल मैं जिनी बारी भी देख रही है ना मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती है, मैं इटली तो लिया सी। इडली के भांडे बॉक्स ओके हूँ ये जो आप गुड़ कि गुड़ की किन्नी क्वांटिटी सी ऑलमोस्ट 300 grams 300+ समथिंग 350 सारा पा देंगे।
अच्छा इनू ना स्लो ते करना है क्योंकि गुड़ ने चिड़ीता जहा हो जाना जो ज्यादा उन्हें हीट पर रखिया। जस्ट तुसी मेल्ट करना है, जस्ट मेल्ट करना। अच्छा इतने मेरी अपनी जी पहली एक कह लो कि मिसटेक आ मैं करैक्ट करांगी इतने बाद विच। ता जेकर तुसी पिनिया बनाउन लगे आ ते तुहाडे कोल वी ये वाली मिसटेक हुई आ कि ते तुसी वी इस तरीके दे नाल उन्नू करैक्ट कर सकते हो। पहला मैं इहदे विच सोचिया कि मैं सिरप च पानी रहन दिंदी आ पाउन नू, पर अगे जाके फिर उहदी बाइंडिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही सी। फिर मैं थोड़ा जिहा लिटल बिट होर गुड़ पा के फिर उहदे च पानी पा के ता उहदी सिरप बना के दैन मैं उपर तो फिर थोड़ा घिओ भी पाया ते ता पिनिया बनिया। सो मेरी रैसपी नू तुसी फॉलो ना करना, पर मैं इत्थे तुहानू दस रही हाँ कि मेरे कोलो जदों मिसटेक होगी तो मैं उहनू किद्दां कवर अप कीता। इस करके जिहड़ा लड्डू बनाउणे आ पिनिया बनाउणियां इस तरह दीआं जिहड़ियां टिपिकल रैसपीज़ आ इहनां दे लई बहुत ही तुसी फ्री माइंड जिहा होणे चाहीदे आ। थोड़ा जिहा भी तुसी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो यह हो सकता है। गुड़ की जिहड़ी आ सिरप बनाउण लई थोड़ा जिहा जदों पानी पा लैंदे आ तुसी तां उह फिर थोड़ा जिहा क्वांटिटी वध जांदी आ, ता या फिर तुसी बहुत ज़्यादा गुड़ पाउंदे आ कह लो कि इक्वल अमाउंट दा जिन्ना तुहाडा ड्राई इनग्रीडियंट्स हैगे आ उस अमाउंट दा तुसी गुड़ पाउंदे आ तां फिर बाइंड होना आ, अदरवाइज़ वह जिहड़े लड्डू की फॉर्म नहीं बन रही सी। ता अगे मैं कवर किया आ कैमरे दे विच, दिस टाइम तुहानू दिखाने अगे जाके। ओके ओके जगमन हुण तू मैनू हेल्प करूंगी, आपां इहनू बंद कर दित्ता। की हेल्प करूंगी तू? आई नीड हेल्प। तू इधर आके पाई जा थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली मुझे लगता होना नहीं सारा इदा ही ना हो गया, पर रेसिपी बनाने के चक्कर लगता भी सारा कर ली पोज कर माड़ा जहा शो करना सीगा, मैं चेता ही भुलगा शो करना पोज कर दो मिनट पोज कर Huh? You could say it looks better in real life than it does on the camera. Yeah. So this is how we are going to correct our recipe because of jada hi sukki sukki ban gayi hai ta aap udda nahi expect nahi si karde, so sugar bhi thodi si kat ke करैक्ट किदा कर लगे इन्हू ये थोड़ी जी सिरप बना के ना घे भी पा सकते हैं थोड़ा जहा जिदा पहला भी कहा कि ना कि जोड़ा घ्यो आडे आपदे मीनस ज़्यादा पाना आ जो वर्क नहीं कर रही है ना यू कैन एड लिटल बिट मोर घे तो नाल तुसी पा सकते हैं सिरप बना के। टेस्ट वाइज बहुत सोहनी है पर वो थोड़ी जी आप पंजीरी टाइप बन गई है ना, पर आप पंजीरी तो बनाएंगे एट द एंड इट्स गोना बी गुड ट्रस्ट मी। ए की समथिंग
ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜੇ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿੰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਰਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਘੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸਰ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਘੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਘੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ ਵਿਦਆਊਟ ਕੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕਰੈਕਟ ਘਿਓ ਲੱਦੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਚੈੱਕ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ ਹਾਲੇ ਗਰਮ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਗ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ